तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लाई हूँ जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही कम तेल में बनेगी, क्रिस्पी, सॉफ्ट, स्पंजी और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। साथ ही मैं आज आपके लिए एक स्पेशल सी चटनी लाई हूँ जिसे आप इस रेसिपी के साथ ट्राई करेंगे ना, आप इसके फैन हो जाएंगे। आप इसे हर वीक ज़रूर बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। घर में रखी चीज़ों से इसे बनाना है तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने 1 कप सूजी ले ली है। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप बेसन। सूजी जो आपके घर में अवेलेबल हो, मोटी वाली, पतली वाली, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 कप दही। मैंने यहाँ पर फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है इसलिए 1 कप ऐड की है। अगर आपके पास खट्टी वाली दही है या थोड़े दिन की रखी हुई है तो आप यहाँ पर आधी कटोरी दही का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, आप जितना भी नमक पसंद करते हो वैसे नमक कम खाना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो सबसे पहले आप दही के साथ ही इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, इसमें लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, एक परफेक्ट मिश्रण बन जाएगा ना। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। अब आप इसे बड़े आराम से मिक्स कीजिए, इसमें लम्स भी नहीं बनेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ सा गाढ़ा सा मिश्रण बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का मिश्रण हमें बनाकर यहाँ पर रेडी करना है। तो ये देखिए परफेक्टली ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है ना, तो 10 से 15 मिनट आप इसे ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए ताकि जो सूजी है वो बढ़िया से फूल जाए। अब जब तक यहाँ पर ये मिश्रण आराम करता है ना, हम बनाते हैं एक बढ़िया सी चटपटी सी चटनी जो कि हम फ्रेश कोकोनट से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी फ्रेश कोकोनट, 2 तीखी वाली हरी मिर्च और 2 से 3 बड़े चम्मच पीनट्स ले लिए थे। उसको मैंने हल्का सा तेल में फ्राई कर लिया है, क्रिस्पी कर लिया है और ठंडा करने के बाद ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिक्सर जार में डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक और थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा, बट पानी हम इंस्टॉलेशन में ऐड करेंगे, पहले ही बहुत सारा पानी ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा ऐड कीजिए, बढ़िया से मिक्सी कीजिए, फिर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा और ऐड कीजिए। तो इसे पीसने में मुझे 1 कप से थोड़ा सा कप पानी लगा था। आप जिस तरीके की चटनी पसंद करते हो उतना आप पानी इसमें ऐड कर लीजिए। बढ़िया से स्मूथली ये पिसकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो 1 बड़े चम्मच तेल में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा राई, करी पत्ते और तीखी वाली सूखी लाल मिर्च। एक मिर्च थी उसको मैंने 2 हाफ करके इसमें ऐड किया है। और ये जो चटनी बनती है ना, ट्रस्ट मी, मुझे बेहद पसंद आती है, फटाफट से बनती है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे स्टोर करके 10 से 15 दिन किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, फ्रिज में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो हमारी साइड डिश तो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मेन रेसिपी की तरफ आते हैं। तो 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, एक प्लेट ले ली है। अगर आपके पास कोई भी केक का टिन हो, मोल्ड हो या फिर इस तरीके की प्लेट हो, जो भी हो जिसमें आप प्रॉपरली इसे स्टीम कर पाएँ वो आप यहाँ पर ले लीजिए। अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर का स्टैंड होगा आपके पास, आप उसे ग्रीस कर लीजिए। मैंने यहाँ पर नॉर्मल प्लेट में इसे ग्रीस किया है और इस मिश्रण को मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं ना, 15 मिनट के बाद आप इसकी थिकनेस देखिए। पहले ये कैसा रनी था, अब ये देखिए कितना परफेक्ट, थोड़ा सा गाढ़ा सा हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये इसके लिए। अब हमें इसमें डालना है इनो। हम यहाँ पर फ्रूट सॉल्ट ऐड करेंगे जिसमें एक बहुत ही अच्छी, इसकी वजह से इसमें एक स्पंजीनेस आएगी, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ऐड होगा। तो यहाँ पे मैंने आधा सैशे इनो का इस्तेमाल किया है, पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। और इसे एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, बिल्कुल नीचे तक आप कलछी चलाइएगा ताकि ये जो इनो है पूरा स्प्रेड होना चाहिए, सिर्फ ऊपर तक ही आप मत कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्टली आपको एक ही दिशा में घुमाते हुए इसे मिक्स करना है। ये देखिए इतना परफेक्टली इसमें बबल्स आ रहे हैं ना। बस अब हम और बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे और वेट भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें काम थोड़ा सा जल्दी करना होता है। हमने सब कुछ रेडी रखा है तो फटाफट से जो ट्रे हमने ग्रीस की थी उसमें हम ये सारा मिश्रण डाल देंगे और हल्के हाथों से एकदम इक्वल कर देंगे ताकि प्लेट में ये सारी तरफ फैल जाए। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो भी बर्तन, प्लेट या मोल्ड आप ले रहे हैं हमें इसे पूरा ऊपर तक नहीं भरना है,
हमें आधा भरना है और आधी जगह खाली रखनी है। अब दूसरी ओर दोस्तों, मैंने यहाँ पर होममेड स्टीमर रेडी कर लिया है। आपके पास अगर स्टीमर नहीं है तो घर में इस तरह से आप स्टीमर बना सकते हैं। एक कढ़ाई में आधा पानी भरेंगे, उसके ऊपर कोई भी छलनी रख दीजिए इस तरह से जिसमें होल हो, और उसके बाद हमने जो स्टीम करने के लिए प्लेट रेडी की थी वो रखकर कवर कर देंगे। परफेक्टली आपको यहाँ पर कवर करना है। इस तरह का ढक्कन होना चाहिए जिससे हवा बाहर ना निकले, स्टीम बाहर ना निकले। तो अब यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट तक इसे स्टीम कर लिया है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्टली ये स्टीम हो चुकी है। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। हम इसे चेक कर लेते हैं सेंटर में से। टूथपिक डालकर आप चेक करें या फिर चाकू की मदद से आप चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो नाश्ता है 100% अंदर तक कुक हो चुका है, फूल चुका है। देखिए प्लेट में काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करना है। मैं थोड़ा सा जल्दी में थी, पर आप यहाँ पर थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाता है ना तो इसकी कटिंग बहुत ही स्मूथली होती है। तो मैंने यहाँ पर इसे फटाफट कट किया जब ये हल्का सा गर्म था, बट फिर भी ये बहुत ही स्मूथली कट हो गया। तो आप यहाँ पर आप जैसी भी शेप चाहें उस तरह की शेप्स में आप इसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले इसको एक लंबी लंबी लाइंस में कट किया, साथ ही मैं जो इसके कॉर्नर्स एजेस थे उनको स्क्रैच करना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने उनकी जो कॉर्नर्स हैं उन्हें भी वहाँ से हटाया और उसके बाद इस तरह से इन्हें एक और शेप दे दी। तो बड़ी आसानी से ये कट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही जब ये ठंडे हो जाते हैं ना तो प्लेट को भी बहुत ही जल्दी छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पर आप 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें पंखे के नीचे रख दीजिए, फटाफट से ये ठंडे हो जाएंगे। और अब हम इनके ऊपर एक दूसरी प्लेट रख लेते हैं और उसके बाद हम इस नाश्ते को बाहर निकाल लेंगे। सो दोस्तों, अगर कई बार होता है ना, मैं बहुत जल्दी में होती हूँ और मुझे थोड़ा हेल्दी ही खाना होता है, लाइक बस और इसमें ऑयल ऐड नहीं करना होता है या फिर इसे क्रिस्पी नहीं करना होता है, तो मैं इस रेसिपी को यहीं तक बनाती हूँ और चटनी के साथ सर्व करती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना परफेक्ट सॉफ्ट स्पंजी सा नाश्ता बना, एकदम फूला फूला सा बनकर तैयार हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, लाइक आप इसे खाएंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा, एकदम बढ़िया सा लगेगा। बट अगर मुझे मन करता है कि नहीं यार मुझे इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, तो मैं क्या करती हूँ, उसी तवे पर जिस पर मैंने पीनट्स फ्राई की थी ना, उस तवे पे जो 1 चम्मच तेल डालकर उसको प्रॉपरली फैला देते हैं। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी राई, जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। आप पक्का ट्राई करना, राई का फ्लेवर इसमें अमेजिंग लगता है। आप यहाँ पर वैसे वाइट तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट राई का काम कोई कर नहीं सकता, बहुत ही अच्छा लगता है। अब इस नाश्ते को तवे के ऊपर रखेंगे, गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में रखेंगे और एक साइड से बहुत ही बढ़िया से हम इसे सिकने देंगे। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है, नाश्ते में एक बढ़िया सी स्टीम अंदर आ जाती है, गर्म हो जाता है और दोनों जो लेयर है ना वो बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी हो जाती हैं, जो कि खाने में सच में बहुत कमाल की लगती है। तो जितना भी नाश्ता तवे पर आ सकता था मैंने डाल दिया। पहले एक साइड से इसे क्रिस्पी करेंगे, फिर टर्न करके इसको दूसरे साइड से भी क्रिस्पी करेंगे। तो ये नाश्ता देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनती है, घर में रखी चीज़ों से बनती है, एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। आप इसे ऐसा डाइट फूड भी कंसीडर कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी देना चाहें तो यहाँ पर इसे बनाने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके आप उन्हें टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, ये बेहद उन्हें भी पसंद आएगा। इस रेसिपी को आप चाहें तो कोकोनट चटनी के साथ सर्व करें या फिर हरे धनिए की चटनी के साथ भी ये बहुत ही परफेक्ट जाती है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से अलटते पलटते हुए इसे एकदम क्रिस्पी सा गोल्डन ब्राउन कर दिया है। अब बस हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। लास्ट में इसके ऊपर चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, मतलब आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं और कृपया कमेंट्स करके बताएं कि आपके इस वीडियो के लिए क्या सजेशन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। बाय।